Dheyam sada paribhavagnam avishtadoham Tirthaspadam shivavirañcanutam sharanam Vrityartiham pranatapali bhavabdhipotam Vande mahapurushate charanarvindam Asti swastaruni karagra vigalat kalpa prasuna plutam vastu prastuta venuna delihari nirvana nirvyakulam Srasta srasta nivadhani vivilashadi Gopi sahastravratam Hastanyastana tapavargamakhilo Dharam kishorakrati Krishnatvadi Padipankajipanjaranti Adhyayvame Vishatumana Siddhajahamsa Pranaprayana Samaye Kapavata Pittai Kanthavaro Dhanavidho Smaranam kutaste Lakshminath samarambham Nathyamunamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande हे राधे वृषभानुभूपतने हे पूर्णचंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिलरवे वृंदावनेधीश्वरी हे मत प्राण परायणे चरसिके हे सर्वयोथेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रपत्यमनीशं मांदीनमानंदय कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण Nityam
Thank you.
सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। श्री गिरधर लाल प्यारे जय। परम मंगलमय परात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की हृदयेश्वरी परम करुणा में श्री राधिका के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान, ठाट से विराजमान प्यारे दुलारे श्री गिरधर लाल को बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त हमारे गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री किशोरी जी की परम कृपा के फलस्वरूप विगत 4 दिनों से श्री लाल जी की आज्ञा से उन्हीं के परम सानिध्य में किशोरी जी के भाव का केवल स्पर्श मात्र हम लोग कर रहे थे।
आज जिसका विश्राम दिवस है, श्री किशोरी जी करुणामयी हैं, दयालु हैं। दयालुता और करुणा दोनों में अंतर है। दया परिस्थिति या सामने वाले की स्थिति देख के की जाती है। हम बहुत दीन हैं, हम बहुत हीन हैं, या हमारी स्थिति ऐसी है, तो किशोरी जी उस स्थिति को देख करके दया करती हैं। लेकिन करुणा, करुणा सहज होती है। उसमें किशोरी जी ये भाव नहीं रखती कि उसकी स्थिति कैसी है, उसका मन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। कैसा भी हो, वहां करुणा करनी ही है। दया एक बार को की जाएगी उसकी स्थिति देख करके, मन स्थिति देख करके, लेकिन करुणा अनवरत होती है। हमारी स्थिति दयनीय तो नहीं थी, हमारी स्थिति कोई हीनी तो नहीं थी, लेकिन श्री किशोरी जी ने ये चार दिन अपने भाव का, अपनी लीला का स्पर्श प्रदान किया, तो किशोरी जी ने दया की कि करुणा की? क्या हुआ इन चार दिनों में, दया भई है कि करुणा भई है? करुणा भई है। स्वयं तो वे शब्द के माध्यम से हम सबके हृदय में विराज रही थी। यहां से जो भी कहा जा रहा था वो सब किशोरी जी का ही रूप था, लेकिन अपने हृदय को यहां विराजमान कर रखा था सबके सन्मुख। स्वयं हमारे हृदय में विराज रही थी, लेकिन अपना हृदय सबके सन्मुख विराजमान कर रखा है। आज लाल जी कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। एक तो श्रृंगार से पूर्व ठाकुर जी को ये दर्शन, मंगला को ही दर्शन है, अभी ठाकुर जी ने श्रृंगार पूर्ण धारण नहीं किया है, केवल एक पतली सी काचनी में और दो माल धारण करके पाग पर, वो तो थोड़ा बहुत सजा के लायो मैं, क्योंकि ये बड़े शौकीन है सजवे के। आरसी को भाव पता हो कहा है हमारे ठाकुर जी की सेवा में, हर आरती से पूर्व ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाए, ऐसो भाव है। जो ठाकुर जी को स्वरूप है वो तो कृष्ण है, लेकिन जो श्रृंगार है वो किशोरी जी। ठाकुर जी आरसी आरती करवावे तो पहले देखें तो वाको भाव ये है, अरी मेरी मैया, या जो भी सेवक है, अरी मेरी मैया आज ने मुख दिखा तो सही, किशोरी जी ने कितनी करुणा मुँह पे करी है, किशोरी जी आज मुँह पे कितनी बरसी है, या किशोरी जी आज मुँह पे कितनी आई है, मुख दिखाओ। ठाकुर जी आरसी में देखें स्वयं को। कृष्ण तो केवल स्वरूप है, उनको उनकी जो शोभा है, उनको जो श्रृंगार है, वो श्यामा जी हैं, किशोरी जी हैं। तो आज ठाकुर जी मंगला के भाव से विराज रहे हैं। अब इतनी जल्दी कहाँ इतना श्रृंगार होता है, ठाकुर जी को चाहिए एक डेढ़ घंटा तो तैयार रेवे में लगे ही हैं, लेकिन आज मंगला के भाव से विराज रहे हैं। और जिस आसन पर विराज रहे हैं, ये तो सोच सोच के कल से ही मैं आनंदित हो रहा हूं। राधा निवास की श्री किशोरी जी जिस आसन पर, करीब बता रहे 45 वर्ष पुराना आसन, 45 वर्ष पुराने आसन पर जिस पर किशोरी जी अनेक वर्षों तक राज करती रही। कल लाला की विश्राम रात्रि थी यहाँ इस निकुंज वृंदावन में, तो किशोरी जी ने अपनो आसन भेजो कि आज रात्रि यहाँ पे पढ़ो, आज रात्रि यहीं पे विराजो, और आज
यहाँ आप सबके मध्य में भी वही आसन पर ही विराज रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये, लाल जी को आसन कितनो बड़ो, बाकी गादी जी आदि सब लाल जी वाली हैं और वह आसन पर बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। मानो लाल जी यहाँ पे आवे को जो सुनिश्चय कर चुके हैं वो बहुत पहले ही है चुके हैं। 45 वर्ष पहले यह आसन पर बैठ के किशोरी जी ने भाव रखो होगो कि एक दिन लाल जी पधारेंगे तो वो यहाँ पे विराजेंगे। आज वो भयो है तो किशोरी जी ने दया ना करी, किशोरी जी करुणा कर रही है। करुणा अनवरत होती है, दया के पीछे कुछ ना कुछ भाव छुपा होता है। किशोरी जी हम पे दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, और वही करुणा को फल है कि आज हम सब यहाँ श्री किशोरी जी के भाव स्पर्श को प्राप्त करके आज विश्रांति को प्राप्त हो रहे हैं, विश्राम करवे जा रहे हैं। विश्राम को भाव है कि पुनः उत्थापन होगो। आज ये कथा खत्म है रही है, अंत है रही है, ऐसा नहीं, विश्राम है रही है। आज ये भाव, ये हमारो आपको मिलन, लाल जी को हम सबके मध्य को बैठनो, भ्रमण करनो, सुंदर पद गायन होनो, इन सबन को विश्राम है रो है। एक न एक दिन पुनः याको उत्थापन होगो, पुनः उजागर होगो, पुनः प्रकट होगो, ऐसो भाव। तो श्री किशोरी जी की अनंत करुणा केवल हम आप सब पे ना पड़ी है, जो किशोरी जी के पात्र हैं उन पे करुणा हो गई। और पात्र बनवे के काजे कल कछु भाव कथा में कहे गए। तीन बात, विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, तीन भावन को विशेष ध्यान रखनो है। अपने सुख को ज्यादा विचार ना करनो, हमको सुख मिले ऐसा भाव करके हम सेवा में यदि प्रवेश कर रहे हैं, लाल जी को वहां में भी कष्ट है। श्री ठाकुर जी के सुख को विचार करें, उनको जामे सुख मिले वो भाव रखनो है ठाकुर जी के सन्मुख। और वाकई लिए अपनी इंद्रियन को जीतना बहुत जरूरी है। ये भले ही एक ज्ञान को विषय है, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट करूं कि हम जा भाव से, जा भक्ति से श्यामा जू को, श्री श्याम जू को लड़ामे, लाड़ लड़ामे, वो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि ये दोनों जीवन में नहीं आएंगे ना तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। हम जा भक्ति से श्यामा जी को पुष्ट करनो चाहे, लाल जी को पुष्ट करनो चाहे, वो पुष्टि को भाव तभी होगो जब भक्ति के दो पुत्र भी जीवन में हो। और वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का मतलब हमें बहुत नॉलेज हो, हमें बहुत ग्रंथों का अवलोकन हो, हमारे पास में सब टीकाओं के सुंदर सुंदर भाव हों, लगभग सब रसिक जनों के पद याद हों, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान में अहम छुपा होता है। यदि आप बहुत ज्यादा अपने हृदय में धारण कर लोगे, मस्तिष्क में ज्ञान ले लोगे, तो वो अहंकार को जन्म दे सकता है। और अहम आ गया तो फिर श्यामा जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ज्ञान विशेष क्या है, ज्ञान का भाव क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज होना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हमारे श्रीमद् भागवत में ज्ञान का मूल रूप बताया गया, विवेक, विवेक युक्त होना। क्या सद है, क्या असद है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान होना, ये ज्ञान है। लाल जी की सेवा में दो तीन दिन से जब जब लाल जी यहां विराज रहे थे तो हमारे पंडित जी लोग सब सॉल से पर्दा कर रहे थे। तो सॉल से पर्दा होना वो भावी है कि लाल जी विराजें तो
उस समय अनवसर रहे किसी को ऐसा दर्शन ना हो, क्योंकि लाल जी आसन पर विराज हैं तभी दर्शन हो। लेकिन सॉल से जब धक्का जा रहा था लाल जी को, तो मन में ये बार बार भाव उत्पन्न हो रहा था कि अभी ग्रीष्म ऋतु है और इस समय सॉल ठाकुर जी के सन्मुख करना एक प्रकार से उनको उनको श्रम प्रदान करना जैसा है। मैंने कल बोला भी, लेकिन कल वो पूर्ण हो गया था, अब तो सब सामग्री ठाकुर जी की गई। तो ये एक भाव युक्त ज्ञान है कि हम ठाकुर जी के सुख का विचार करके हम इतना विवेक रखते हैं कि हमें क्या वस्तु देनी है, क्या नहीं देनी है, किस वस्तु को प्रस्तुत करना है, किस वस्तु को प्रस्तुत नहीं करना है। लोगों के घरों में सेवा दर्शन करता हूं मैं। अच्छा, सेवा किसी की भी देखो, उस समय हम ज्यादा बड़े सेवक बन करके अपनी राय ना दें, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं भी बहुत देता था, जिस जिस घर में जाता था वहां के ठाकुर जी को देख के जरूर बोलता था, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। लेकिन एक दिन मन में भाव आया, क्योंकि जब मैं लाल जी की सेवा करता तो किसी ने मुझसे कहा आप ऐसे नहीं ऐसे किया करो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मेरे ओ लाला मैं यह ज्यादा जानू कि तुम यह ज्यादा जानो, और मेरो लाला मैं जैसे सेवा करूं वो सुखी है, यही मारे टिको भयो, यदि बाकू अच्छो नहीं लगतो तो कब को चलो जातो। लेकिन वो विराज रहो, या को मतलब यही है ना कि मैं जैसो दे रहा हूं, मैं उनके सुख को विचार करके दे रहा हूं। ये आजकल को आदमी कल ते आयो लाल जी को देख के, अब मुंह को बता रहा हूं मैं कहा करूं। तो ये भाव जब मेरे लिए मतलब दूसरे के लिए मेरे अंदर आया, तो मैंने मन में विचार किया, वाह तू लाला जब कोई और के यहाँ जावे वहां की सेवा देख के तू भी तो राय दे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये होना चाहिए। तब मन का भाव आया, ओहो ठाकुर जी के 24 अवतार नहीं है, ये ठाकुर जी को 25 अवतार है, 25 वो या को नाम का है अर्चा अवतार। जो हमारे घर में विराज रहे हैं, एक सदस्य बन के, एक घर के स्वामी बन के, ये जो ठाकुर जी को अर्चा अवतार है ना, ये आपके द्वारा दी गई सेवा चाहे जैसी हो वह कुछ स्वीकार कर भी आए, आप जो प्रदान करोगे वाकु ले भी आए हैं। कभी यदि नमक कम पड़ गो दाल में तो बेचारे किल्लामेंगे ना मंदिर में, ए ओ मैया तेने नमक कम डारो है, या मैं नींबू ना निकले कि आने मुंह को स्वाद दिला पालेंगे। कभी शिकायत नहीं कर सकते, उसके पीछे भी एक कारण है, कल को जब हमारी मृत्यु होगी हम ठाकुर जी से निश्चित शिकायत करने वाले हैं, ठाकुर जी आपने जीवन में ये यहां 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 इस जगह पे मुझे कष्ट दिया, इस जगह पे आपने अनधिकारी चेष्टा करके मेरे साथ ऐसा किया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे, सब सुनते रहेंगे, सुनते 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 जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी तब ठाकुर जी हाँ भाई लाओ मेरी लिस्ट निकाल के लाओ। अब एक दिन बहुत जोर की बारिश पड़ी थी, अच्छा ठंडा हो गया था मौसम, बोले हाँ सुबह ही सुबह तुमने ठंडे जल से मुंह को स्नान कराया, मैं ठिठर गया, मैंने कछु कही। सर्दी में ऐसी जोर की, आपके नागपुर में तो सर्दी पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से, तो हल्की फुल्की होती है, हाँ हमारे वृंदावन जैसी ना पड़े, आदमी ते आदमी ना दिखे। ठाकुर जी फिर अपनी लिस्ट निकालेंगे, एक बार तुमने गड्डी की सब्जी बनाई थी उसमें ऐसी मिर्च डाली थी, बाद में परिवार वालों पाप उसको खाने के बाद में चार चार गुलाब जामुन दबा गए, मैंने कुछ कहा, मैंने तो पाया। ये अर्चा अवतार जो हमारे घर में विराज रहे हैं ना, इनके भी बहुत भाव हैं शास्त्रों में, सेवा भाव भी है, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे उसका भाव भी है, आदि आदि कई भाव हैं। लेकिन उसमें एक भाव यह भी है कि कहीं तुम कल को शिकायत करने बैठे अगर लाल जी से कि आपने ऐसा 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 किया, ठाकुर जी फिर अपनी शिकायत लेंगे। और तुम्हारे घर में जितने चित्र हैं ना ठाकुर जी के, वो सब चित्र नहीं है, सब में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ठाकुर जी कहेंगे 20-20 25-25 दिन है जाए मेरे पास, चित्र को साफ भी ना करे धूल जम जाए, मैंने कछु कही, सब स्वीकार मैं कर रहा हूं तो फिर तुमको दिक्कत क्या है, मैंने भी तो स्वीकार किया जैसे तुमने मुंह को रखना चाहो, तो हम स्वीकार क्यों नहीं करें।
कल रात्र विनोद जी की चर्चा जब चल रही थी तो उनका भाव यही तो आया था कि वो कहते थे कि जब हम गाते हैं कि रजा राजी में रजा और उनकी राजी में रजामंद रहो, फिर रहते क्यों नहीं है। बिल्कुल सत्यता है, ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रहना सीखो, वैसे रहो, क्योंकि वे भी रहते हैं जैसे हम चाहें वैसे रहते हैं, प्रेम रखते हैं। लाल जी बड़े कृपालु, हमारे वृंदावन में एक संत हुए, बड़े भजननिष्ठ संत, भजन में उनकी इतनी रुचि, नाम जप में। अच्छा, ठाकुर जी के उपासना भी कई प्रकार की, एक नाम उपासना, एक धाम उपासना, एक स्वरूप उपासना, एक कथा उपासना, एक कीर्तन उपासना, ऐसी ठाकुर जी के अनंत उपासनाएं हैं। किसी की उपासना केवल स्वरूप में होती है, उस स्वरूप के अलावा बाकी की उपासनाओं में उसकी इतनी रुचि नहीं बन पाती, कथा में उसका मन नहीं लगता, उसको बस ये रहती है मेरे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, मेरे ठाकुर जी का अब ये उत्सव करना है, ऐसी लीला करनी है, ये सब। कईयों की कथा उपासना, वो कथा में इतने मग्न रहते हैं लेकिन सेवा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। हाँ, ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे लेकिन सेवा का जैसे भाव रखो तो उनसे सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। कईयों की नाम उपासना होती है, वो नाम में इतने निष्ठ होते हैं कि उनको फिर कथा भी नहीं चाहिए, उनको ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन भी ना हो तो चलेगा, लेकिन वो नाम में प्रवृत्त रहते हैं। तो वे संत नाम उपासी थे, बहुत नाम उपासना करते थे लाल जी की। और 24 घंटे में करीब करीब 20 घंटा ठाकुर जी का भजन करना, नाम उपासना करना, और एक दो घंटा थोड़ा आराम करके स्नान ध्यान कर लेना, और फिर ब्रजवासियों के यहाँ जा कर के कुछ भी मांग करके पाना। अच्छा बंधुओं, एक बात सुनो, कभी भी बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ, हर बार आप अपने तरीके से गए हो, इस बार मेरे तरीके से जाना। कैसे जाना है सुन लो, बस जा तो नहीं पाओगे लेकिन फिर भी सुन लो। वृंदावन शतक, उस पर सिग्नेचर है श्री किशोरी जी के कि मेरी प्राप्ति करनी है तो या शतक को अपना लो, वृंदावन शतक। उसका एक भाव है, वृंदावन रहो, बरसाना रहो, या ब्रज में जाओ तो कैसे जाओ। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्रीराधा मुरलीरवो व्रज सखे वृंदावन मात्यज। वृंदाव, मैंने एक दिन बताया था वृंदाव कृष्ण का नाम है लेकिन वृंदाव किशोरी जी का नाम भी है, दोनों को ही वृंदाव कहते हैं और वे दोनों जहां तक विचरण करें वो सब वृंदावन। वृंदावन में उपासक को कैसे रहना चाहिए, ठाकुर जी के सखियों को, सहचरियों को, मंजरियों को, या जो बनना चाहते हैं उनको कैसे विचरण करना चाहिए। तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट, वृंदावन में रहो तो ना तो होटल में पाओ, ना रेस्टोरेंट में खाने जाओ। ये दुनिया भर के जितने भी आजकल वृंदावन में आधुनिक रूप के बन गए हैं इन सब में मत पाओ। तो क्या करो, बोले किसी भी अनजान ब्रजवासी के यहाँ चले जाओ, भीतर मत प्रवेश करना, बाहर ही रहना, केवल उसका दरवाजा खटखटा देना, वो आवे तो उससे बोल देना हम श्री श्यामा जी के दास हैं, श्री किशोरी जी के दास हैं, आप कृपा करके मुकु कछु अपने घर की प्रसादी मुकु दे दो। ग्रामेश भिक्षामट, कितना लेना है, बोले कि जितना अंजलि में आ जाए उतना ले लो,
या ब्रजवासी भाव से जितना दे दो उतना ले लो, उसको पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, भोजन करो तो ब्रजवासियों के घर का प्रसाद मांग करके पालो, और जल जब पियो तब यामुनम जलमनम, श्री यमुना जी का जलपान कर लो। चीरानी कंथाम कुरु, बढ़िया टिप टॉप बनकर के मत रहो, वृंदावन में रहो महाराज, ये श्रृंगार ऐसा श्रृंगार ऐसे बढ़िया बन के। एक बात बोलूं, वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल दोन को है। आजकल बहुत है क्यों वृंदावन में ऐसा ऐसा श्रृंगार करके लोग घूमे, सखी भाव से घूमेंगे, आंखों में काजल लगाएंगे, होटन में लालिमा लगाएंगे, ये हार पहनेंगे, ऐसे लटके झटके इनते चले। उनसे पूछो का है, हम सखी हैं किशोरी जी के, हाँ तो ये तो ही मिली सखी बनावेगी, किशोरी ते ज्यादा सिखने अपनो श्रृंगार तो तय न कर रखो है। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, अत्यंत साधारण, ज्यादा टिप टॉप बन के मत रहो। चीराणि कंथाम कुरु, साधारण वस्त्र पहनो, बल्कि यहां तो ये कह रहे हैं कि चीरों को इकट्ठा करके उसका कोई वस्त्र बना के वो धारण करके रहो। चीराणि कंथाम कुरु, और फिर क्या होगा, जब आप ब्रजवासियों के घर का प्रसाद पाओगे, केवल यमुना जल पियोगे, चीर पहन करके रहोगे, तो उसके बाद एक चीज शुरू हो जाएगी वृंदावन में, क्या? सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ब्रजवासी आपका सम्मान करने लग जाएंगे, भक्तगण आपका सम्मान करने लग जाएंगे, अरे भाई बहुत बढ़िया रहते हैं, देखो क्या नागपुर से आए फिर भी देखो क्या चीर पहन के रहते हैं, साधारण वस्त्र पहन के रहते हैं, ब्रजवासियों के घर का प्रसाद शीत प्रसाद ही पाते हैं, यमुना जी का ही जल पीते हैं, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वृंदावन शतक कहता है वो महाविष के समान है, उससे बचो, सम्मान से बचो, जितना हो सके उससे दूर रहो। आपको एक बात स्पष्ट कहूं, कोई यदि आपकी सेवा की भी प्रशंसा कर दे ना, उस समय में उनके सन्मुख तो देखो कुछ रूप मत बनाना, कुछ भाव मत रखना, क्योंकि देखो कोई अगर भाव से कह रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरी बात का कितना अनादर किया, कहीं उठ के चले जाओ या कुछ, लेकिन सुन करके फिर श्यामा जू से जाके क्षमा मांग लेना, हे श्यामा जू मैं तो जानू ना, मैं कछू ना कर पाऊं, ये जो भी मेरी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरी कथा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरे भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, इन सवन के प्रशंसा से मैं आपको क्षमा मांगू। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो विष के समान है, उसको छोड़ दो, उसमें ज्यादा इच्छा मत रखो कि मेरी प्रशंसा बहुत हो। और नीचपमानम क्षुधा, यदि कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हें ढोंगी पाखंडी कह दे, तुम्हें पागल कह दे, तुम्हारी सेवा की निंदा कर दे या तुम्हारे भाव की निंदा कर दे, तो उसको अमृत के समान समझ करके स्वीकार कर ले रहा। नीचपमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को अपना लो, परंतु वृंदावनम मात्यज, वृंदावन को मत छोड़ो। ऐसे प्रसादी पाओ, ऐसे जल पाओ, ऐसे वस्त्र धारण करो, इस प्रकार से रहो, लेकिन वृंदावनम मात्यज, ऐसा भाव। तो वो संत मथुरा में रहते थे, नामनिष्ठ संत थे, बहुत भजन करते थे, सेवा विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है, हाँ पहले खुद उठो फिर खुद नहाओ फिर इनको उठाओ, और उठते नहाते नहीं है फिर दूध पियेंगे, हाँ फिर उसी में लड्डू पालेंगे, और कई कई बार तो नावे तो पहले ही नाश्ता कर लें, सब कर कर आके फिर इनकी इच्छा हो तो इन्हें नहाओ, नहीं तो ऐसे ही तैयार कर दो, बहुत सेवा है, और फिर जल्दी से इनको ही भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ, फिर इनको सुलाए दो, जब ये सो जाए फिर स्वयं सो, हर चीज में पहले इनको निवेदन करना पड़े। तो वे नामनिष्ठ संत थे, नाम में उनकी रुचि। एक दिन वो रोज ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे और आटे की भिक्षा लेके आते थे,
और आटा लाकर के उसमें यमुना जल मिला के उसको गूंद के उसी का टिक्कर बना के पका के बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के नाम रूप को ही स्मरण करके उसका भोग लगा के रूखे आटे की रोटी टिक्कर ही पाते थे। ये उनकी सेवा, और वो भी इसलिए पाते थे ताकि इतना मिल जाए ताकि जा से मैं भजन कर सकूं। लेकिन वो जिस मैया के यहाँ जाते थे नित्य सेवा के लिए, वहां पर ठाकुर जी को मदन मोहन स्वरूप विराज रहे हो, आज भी हैं मदन मोहन लाल जी। मदन मोहन स्वरूप को भाव आयो कि इन बाबा से सेवा स्वीकार करनी है। और ये लाल जी की बड़ी लीला है, जाए सेवा को ABCD भी ना आवे, वाकई यहां से सेवा ले लें। जैसे कि मैं मौसम बिल्कुल सेवा ना आती एक समय की बात पर, आज बंधुओं संवाद चल रहा है, अब एक आध घंटा में तो जानो ही है, तो फिर अब क्या शुरू करूं, इसलिए बात वार्ता ही कर लें हम। इनकी सेवा मुंह पे आती नहीं, श्रृंगार कैसे होता है मैं जानता ही नहीं था। अच्छा एक बात और, बड़े स्वरूप का श्रृंगार करना बहुत आसान है, हाँ वो दिखता है ना दूर से कि हाँ नेत्र पास हैं, ठाकुर जी कुंडल सुंदर लग रहे हैं और उसमें पूरे हाथ चलते हैं, इनके सेवा में उंगली चलती है, और यहां से यूं ऐसे कैसे हो सेवा, खुद ही करवाइए। ऐसे ही वो बाबा पे मन आ गयो, भिक्षा लेवे के लिए आए, सो मैया ने आटे की भिक्षा दे दी, बाबा जैसी चले गए, सो रात्रि में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट है गए, रोन लगे। मैया बोली लाल जी कहा भयो, मैंने सेवा में कोई अपराध कियो? बोले ना मैया, मैं बड़ो प्रसन्न हूँ आपकी सेवा सो, लेकिन मेरो मन है रहो कहा, वो जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आवे ना, मुकू उनसे सेवा लेनी है। मैया बोली तो आज्ञा करो। बोले आज्ञा यही है, कल वो आमे तो उनको भिक्षा के रूप में मुए दे दियो, मैं उनके संग चलो जाऊंगा। मैया बहुत रोई, मेरी सेवा में कोई कमी? लाल जी बोले मैया तेरी सेवा पूर्ण है गई, मैं तो नित्य रहूंगो, तू तो कल चली जाएगी, मैं तो नित्य विराजे वा रहा हूं, मैं अपनी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं, तो को तो कछुदना में चलो जानो है, मैं कहां सेवा करवाऊंगा अपनी, तो मुको बाबा को दे दे। मैया बोली मेरा तो मन ना माने, आप मेरे हृदय हैं। बोले प्रभु आप कृपा करो, मुकू उन्हीं को दे दो। दूसरे दिन बाबा जैसे ही पधारे, मैया रोती रोती गई, बाबा तुमने कहा कर दियो, कोई टोना टोटका कियो? बोले कहा मैंने, कहा कियो मैया? अरे मेरो लाला रो रो है, रात भर रोयो कि मुकू बाबा के पास जानो, उनके पास ही रहूंगा, उनसे सेवा लूंगो। मैया कहाँ है ठाकुर जी? बोले भीतर विराज रहे हैं ठाकुर जी। बोले आप रात्रि सपने में आज ठाकुर जी आवे तो कह दियो, मुंह पे सेवा विवाह ना आवे, और ना मुंह पे जगह ने बिठावे की, सुलावे की, खिलावे की, मुंह पे कछु ना है। भोजन के नाम पे केवल या सूखे आटे में यमुना जल मिला के वही की टक्कर बना के पाऊं मैं, अगर इनको स्वीकार हो मेरी कुटिया में नेक सी जगह बा में बैठनो स्वीकार हो, ना सेन सही आए कछु ना है मेरे पास, ये सब व्यवस्थाएं मेरी हैं, यदि इनको स्वीकार हो तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनो नाम जप में ही प्रवृत्त रहूंगा। मैया ने कही हाँ तुमने बढ़िया बताई, बढ़िया मैं बता दूंगी, बहुत बुरी व्यवस्था है, मना कर दू मत जा। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, मैया तेने दियो नहीं? बोला अरे बाकी यहाँ कछु व्यवस्था ना है, छोटी सी कुटिया में रे, भोजन पानी कछु करे ना है, तुम्हें कछु खवावेगो ना, तुम्हें आठ आठ बार भोजन करनो दिन में। कल हमारी समधन कह रही है इतने बड़े बड़े उनके सामने श्रीनाथ जी के सामने वो आमे मोहन थार सागर और एकाद नाम है भर भर के आमन। गोवर्धन पूजा पे तो नियम है जब तक ठाकुर जी की ना भी ना ढक जाए इतना ऊंचा ऊंचा भोग लगाओ ठाकुर जी के आगे, कितनो खावे फिर भी आगो पेट ना भरे, आठ आठ बार पावे दिन में, खावे को बड़ो प्रेमी। बोले तुम इतनो खाओ बाबा किस खवावे को? बोले मैया चाहे कछु नहीं खवावे, चाहे मुकू एक कोने में रखे, मुकू नहावे धुआवे ना, लेकिन मुकू वहां से सेवा चाहिए, वाकी सेवा में सुख मिले। मैया बोली तुम्हें जानो है तो तुम कैसे जाओगे? दूसरे दिन बाबा आए, बाबा इन्हें कोई व्यवस्था ना चाहिए, कछु ना चाहिए, यूं कह रहे जैसे बाबा रखेगा वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा उन्हीं के पास। बाबा बोले ठीक है लाओ देव। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में लाए, एक कोने में नेक हल्प को पत्रों से कपड़ा बिछा के अब ठाकुर जी को विराजमान कर दियो। अब बाबा को तो रोज को 20-21 घंटा को नियम नाम जप को,
बाबा अपनो नाम जप करे, ठाकुर जी बैठे कोने में बड़े मस्त आनंद है रोहन है। लेकिन 10-12 घंटा तक तो भूख रोक ली ठाकुर जी ने, बाकी बात देखी भाई बहुत तगड़ो भजन है, 22 घंटा 20 घंटा बैठ के कुछ खावे ही ना है। 20 घंटा बाद भजन करवे के बाद उनको ने थोड़ी नींद आई तो थोड़े सो गए, सोवे के बाद में उठे स्नान ध्यान करके भिक्षा में आटो लेकर के आए, वहां में यमुना जल मिला करके वह आटे को गूंद करके टिक्कर बनाने लगे, कोने में बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गो, हाँ भैया तू कछु दे, तू साधारण रोटी दे कछु कबाब। ठाकुर जी के सन्मुख एक पत्तल लगा करके वापस सूखी रोटी केवल जो वो बनाते ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पधराई है, ठाकुर जी ने प्रेम से पाए हो, प्रेम से पावे के बाद में ठाकुर जी बाबा ने अपनो भोजन कियो, भोजन आदि करके बाबा फिर से भजन में बैठ गए। जैसे ही भजन में बैठे तो 5-10 घंटा बाद ठाकुर जी प्रकट भए, और प्रकट होकर के वाके हृदय में कहने लगे, बाबा मुको तुम्हारी सेवा में खूब आनंद आ रहा हो, तुम्हारी कुटिया में खूब सुख मिल रहा हो, सब बहुत सुखी है रहूं मैं, लेकिन बाबा मैं बस इतनो निवेदन कर रहा हूं कि आप आटो तो लेके आओ ही हो, नेक नमक और ले आया करो, वह आटे में नेक नमक डाल दोगे तो नेक तो स्वाद आवेगो। अच्छा तो कल से मैं आटो उलाऊ नमक उलाऊ? बोले हाँ भाई इतनो कर लो, या तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए सेवा में, बस इतनो कर लो। बाबा बोले ठीक है। अब सबके यहाँ गए आटो लेवे के काजे तो बोले कि नेक नमक और दे। बोले बाबा जीव में चटोरोपन आने लगो। बोले हमने हमारे ना आयो एक आ गयो चटोरो घर पे, वाके काजी चाहिए। लाए आटो लेके वहां में बढ़िया नमक वमक मिला करके सुंदर वाकी टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने जैसी पधरायो, प्रेम से ठाकुर जी ने पायो। पाने के बाद में बाबा अपनो भजन करवे बैठ गए। 2-4 दिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, 2-4 दिन तक बाबा यही नमक रोटी खवावे। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से आ गए, बाबा अब का भयो? बाबा सब ठीक है, नेक एक आलू और लिया है करो। वह आलू को उबाल के या फिर भून के वहां में बढ़िया नमक डाल के नेक एक चटनी सी है जाए तो नेक रोटी निगलवे में नेक सुख मिलेगो। तुम तो केवल रोटी आटे की बढ़िया वहां में आटे और नमक की रोटी खवाए तो बात कहां सुख मिले। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले बाबा यहाँ में कुछ और करनो, थोड़ी एक आलू लिया बस, तुम मत खाइयो मुंह खवाए दे करो। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो फिर भिक्षा में आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। भून के आलू बाबा ने बढ़िया वाकू मीण करके चटनी बनाई और ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। ठाकुर जी प्रेम से पाए, 2-4 दिन कुछ नहीं बोले, बढ़िया आनंद आया। अब 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से प्रकट भए। बाबा बोले अब का है गो? बोले अब रोटी भी बढ़िया है, चटनी भी ठीक है, बाबा कोई दिक्कत ना है, बस एक निवेदन हो। कहा सूखी रोटी ना निगलवे में गले में इर्ज जाए तो ने घी चपड़ दे करो, कल सेवा में जाओ तो देख एक कटोरी घी ली आई हो। बाबा बोलो मुझ दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण कहते जा रहे हैं। बोले बाबा और इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा, तुम घी और लिया हो बस। दूसरे दिन बाबा घी भी लिया है, अब रोटी बने, आलू की चटनी बने और उनमें घी डले। ठाकुर जी प्रेम से 10-15 दिन कछु नहीं बोले। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट भए, जैसे ही प्रकट भए बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए बा मैया के यहाँ ले गए, ले धल्ले आए, बार बार आ जाए और आके कभी म्यो लिया कभी आ लिया कभी वाय लिया, मुंह पे ना होगी मेरो नाम छूट तो जा रो है। जैसे ही ठाकुर जी बाबा मैया को देने लगे, ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास, अब ना जाऊंगा कहीं। कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं नाथ, हमारी कैसी भी सेवा हो वो हम पर कृपा है ठाकुर जी की। धीरे धीरे हम सेवा में बढ़ोतरी करें, धीरे धीरे सेवा में कछु सुंदर प्रदान करें, लालजी बा को स्वीकार करें, लेकिन फिर भी हम कैसी भी कर दें ठाकुर जी कभी कुछ शिकायत ना करें।
और ये ऐसे ही हमको होना चाहिए। जब लालजी ने हमसे कछु नहीं कही कभी, लालजी ने हमारी व्यवस्था में हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं निकाली, तो हम ठाकुर जी के दिए गए सुंदर जीवन में क्यों कोसते रहे, क्यों कमी निकालते रहे, आपने ऐसो कर दियो वैसो कर दियो। कोसना खुद को कोस लो, कोसना अपने क्रियान को कोस लो, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मत कहो। ठाकुर जी ने तो सब प्रेम से प्रदान किया है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, गाइए, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो कीरति रे, जासो पंछी उड़ जाइए को मैं भाव ऐसा रखता हूं कि जिस दिन हमारी आत्मा हमसे निकल जाएगी या हमारे देह का परित्याग कर देगी, तादिन तेरे तन तरु वर के सभी पात झड़ जाई हैं। ये तन रूपी जो वृक्ष तुम्हारा है, इसके सभी पात, पात माने इच्छाएं, वैसे तो तन रूपी वृक्ष के पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जादिन तेरो मन पंछी उड़ जाएगा। पहले मैं भाव ऐसा करता था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा भाव आ रहा है कि जादना तेरे मन रूपी पक्षी को श्री किशोरी जी अपने पिंजरा में बंद कर लेंगी, जादना वाकु स्वीकार कर लेंगी, वो मन श्री लाल जी के चरणन को शरणागत है जाएगा। तादिन तेरे तन तरु वर के सवई पात, मतलब समस्त इच्छाएं झड़ जाई हैं, फिर कछु ना सुहावेगो, फिर तो ये बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है श्री कुंती जी की, और वो कुंती की स्तुति में एक बात ऐसी है, केवल एक शब्द ऐसा है जिस शब्द की वजह से 18,000 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक वही माना जाता है जो कुंती ने गाया है, और वो शब्द ही सुन लो केवल क्या है। वो कह रही है, त्वयैव नाथेन मुह विपद्गणा, त्वयैव नाथेन। श्री श्यामा जी को, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है, जब उनका सेवक, उनका अर्चक, उनका दास जब यूं कहे कि मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई ना है, तब किशोरी जी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा बुरा लगे। यानी ये बात कह कैसे दई, जब हम बैठे यहां के माथे, तो फिर यूं क्यों कह रहे हो कि मेरा कोई ना है।
यूं कहता हूं, हाँ संसार में मेरा कोई नहीं है, यदि कोई है तो केवल श्यामा जी मेरी हैं, केवल ठाकुर जी मेरे हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्री कुंती जी कहती हैं त्वय ही बनाते हैं। हम सब कहते हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। लेकिन कुंती क्या कहती है, इस संसार में आप ही केवल मेरे हो। हम कहते तुम्हें लाल जी हमारे हैं, लेकिन ये कौन है, बोले ये मेरी पत्नी है, ये कौन है, ये मेरी बेटी है, ये कौन है, ये मेरे सब परिवार के लोग हैं, इनको भी तो तुमने मेरे की उपाधि दी रखी है। ठाकुर जी कहते हैं जब ये सब तुम्हारे हैं तो फिर मैं तुम्हारो, इतने सारे लोगों ने एक हृदय में कैसे रखोगे। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही आमेंगे। लाल जी हृदय में आमे क्यों ना, वो पहले ही झांक ले, अच्छा ओ भाई इतने सारे भर रखे हैं आने, उन्हें एक सीसी गली में भिज गए हैं सबरे, पहले सबन को निकार तब लाल जी आमेंगे, तब लाल जी पधारेंगे। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, आँखों में भक्तन की सेवा, आँखों में भक्तन की सेवा, आँखों में भक्तन की सेवा, चरण रज सदा लुभानी, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। सेवा में एक अपराध करते हैं, देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ठाकुर जी की किशोरी जी की सेवा में कोई अपराध हो जाए क्षमा है, वो उतना नहीं गिनते वो, लेकिन उनकी सेवा के मध्य में किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध, किसी संत का अपराध, ये ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं। अपना अपराध स्वीकार है लाल जी को, लाडली जी को, ठीक है सेवा में तुमसे हो गई भूल कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुमने भूल से भी ठाकुर जी के अनन्य रसिक जन एवं ठाकुर जी के कोई भक्त वैष्णव जन उनका कोई अपराध किया, और केवल कर्मणा नहीं मनसा भी कर दिया, वाचा भी कर दिया, श्री जी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वृंदावन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना, एक वैष्णव थे, वे गुरु आश्रित हुए, तो उनके गुरु ने उनको आज्ञा की कि तुम नित्य यमुना स्नान किया करो और अपने गीले अंग में ही ब्रजरज लपेट करके और नेत्र बंद करके और तुम फिर किशोरी जी और श्याम जू के नित्य लीला का विहार का दर्शन किया करो, क्योंकि तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो अब कि तुमको उनके लीला का दर्शन होगा। तो नित्य जाते यमुना स्नान करके और पूरी ब्रजरज में लेट के जब पूरे ब्रज में रज में लिप्त संलिप्त हो जाते तो यमुना पुलिन पर ही नेत्र बंद करके बैठते तो उनको श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर के दर्शन देते थे, ऐसा अद्भुत उनको लीला का दर्शन होता था। एक बार जब नेत्र बंद करके बैठे तो ठाकुर जी का अद्भुत स्वरूप, ये पद मुझे बहुत प्रिय है, ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और श्री किशोरी जी उसको पूछ रहे हैं
बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? तुम सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? ये भी दो तीन दिन से आ रहा था, अब गाऊंगा, लेकिन अब जाते जाते गा जाऊं, बहुत प्रिय है मुझे ये पद। तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी की लीला को नेत्र बंद करके दर्शन करो। ठाकुर जी आरसी हाथ में लेके बैठे हैं, श्याम सुंदर के बगल में किशोरी जी बैठी हैं। सुंदर भाव को अपने हृदय में स्थापित करो और उच्च स्वर में गाओ मेरे संग। तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी, दर्शन वो संत कर रहे थे कि श्याम सुंदर लेके बैठे आरसी और पूछ रहे हैं कि कौन सुंदर है। किशोरी जी बोली, अच्छा मोसो पूछ रहे? बोले हाँ, बताओ तो सही कौन बढ़िया लग रहा है, देखो मैं कि तुम। किशोरी जी कह रहे हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मोसो का पूछ रहे हो, मोते का पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। ठाकुर जी बोले, कहा देख लो? बोले कि देखो, हम गोरी गोरी दिख रही हैं और तुम कारे कारे दिख रहे हो। दोनों कैसे दिख रहे हैं? हमरो मुख जैसे चलते उजियारो, हमरा मुख जैसे चलते उजियारो, हमरो मुख जैसे चलते उजियारो, हमरा मुख जैसे चंद्र उजियारो, हमरो मुख जैसे मुख जैसे रेन अधियारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राध प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी।
हमको अंधेरा बोलो। बोले हो तो बोलूंगी, और मैं क्या बोल रही हूँ तुम खुद देख लो आरसी में कैसे काले काले लग रहे हो। हमें देखो कैसे, हमें देख के दर्पण भी शर्मा रहो, इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। ठाकुर जी बोले एक बात मत भूलो, आपने अभी अभी कही कि आपको मुख जैसे चंदू जी आ रो और मेरो कैसे जैसे रैन अंधियारी। लेकिन किशोरी जू जब तक अंधेरों ना होवे ना चंद्रमा दिखे ना है, जब तक मैं ना आऊंगा ना संग में तब तक तुम्हें कोई पूछेगा ना, तुम दिखोगी ना। और रही बात बाकी तो तुमने हमारी बहुत कर ली, अब हमें बैठना ही ना है। आरसी लेके ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए, दूर शिला पे जाके बैठे। तो किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी है, ऐसी दयालु है, ठाकुर जी रूठ जाए ये उनसे सहन ही ना हो गए। किशोरी जी समीप गई और समीप जाकर के लाला के पास बैठी और बोली नाराज है गए हो, मान कर रहे हो। बोले बात ही ऐसी कर दी आपने, हमने कहा ना कियो आपके लिए, सब करते रहे मैं। अरे झूठे को बड़ाई कर दे करो, हाँ ना नहीं बढ़िया लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे हम जाने हम कारे हैं, हम जाने कि हम ऐसे हैं। नहीं नहीं एक एक ये शिष्टाचार हो ना, हम कोई सब प्रेम करें तो झूठी बड़ाई कर ही दें, भले बुरो लग रहे हो। अब घर को दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़े भले ही काणो भेड़ो हो, सब रे नजर भलैया ना ले, अरे कितना प्यारा लग रहा है, चाहे कैसे हो नहीं झूठे को बड़ाई कर दे करो। किशोरी जी बोली अरे नहीं नहीं आप ऐसे देखो रूठो मत, देखो मेरी बात तो सुनो। कहा मुखमंडल पर अपनो कर कमल रख के किशोरी जी अपनी ओर ठाकुर जी को मुखमंडल करें, और किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो सब कालो कालो काजल लगवा। ठाकुर जी बोले या को भी भाव यही कह रही होंगी कि वो कालो काजल दिखना रहो क्योंकि हम कारे हैं। अरे ना मैं यूं थोड़ी कह रही हूं, तो का कह रही हो, देखो तुम्हारे नैनन में तो कालो काजल है लेकिन तुमने हमारे नेत्रन में देखो। ठाकुर जी बोले का है? बोले देखो तो सही। ठाकुर जी जैसे किशोरी जी के नेत्रन में देखने लगे बोले कछु दिखाई दियो, तो किशोरी जी की काली पुतलिन में ठाकुर जी को ही रूप दिखाई दे रहे हो। हमरे नयन में तुम बनवारी और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पूरो पूरो ब्रजमंडल आज तुमको गिरवरधारी कह करके पुकारे, तुम्हारी शोभा की गणना तुम्हारे तुम्हारे नाम यश को वैभव गामे। अरे हमारो लाला ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाए, लेकिन कोई हमसे पूछे कहाँ पूछे। बोले तुमने तो नख पे गिरिराज जी धारण किए लेकिन वह गिरधारी को तो हमने अपने हृदय में धारण कियो ना, हम उर्धार रहे गिरधार। हे सूरदास या छवि की शोभा, 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 इन
छवि को दर्शन करके कौन को हृदय मयूर नृत्य नहीं करेगा। श्री यमुना में स्नान करके ब्रजरज तन पर लपेट करके बाबा जब यमुना पुलिन पर बैठे या स्वरूप को दर्शन कर रहे तो बाबा इतने प्रसन्न है गए। लाल जी जब रूठ के बैठ गए तो बाबा को जोर की हंसी आने लगी। बोले वाह बाबा आज ठाकुर जी नाराज है गए, अब किशोरी जी मनामेंगी इनको। तो ऐसा भाव आयो कि बड़ी जोर की हंसी आई उनको। लेकिन तभी एक अपंग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और एक पांव ना होने के कारण थोड़ा लड़खड़ा के जा रहा था। तभी बाबा की जोर की हंसी निकली तो वह ब्रजवासी के मन में ये भाव आयो कि बताओ कैसो पाखंडी ढोंगी बाबा है, यहाँ पे ब्रज रज लपेट के बैठो है और मेरी दुर्बलता पे हंस रहो है। ये मन में भाव उस ब्रजवासी के आया, उसने कुछ कहा नहीं। वो बेचारा अपने पांव को ही ऐसे संभाल करके वहां से आगे बढ़ने लगा। उसके मन में केवल ये भाव आया कि बताओ बाबा कैसे मुंह पे हंस रहो है। लेकिन बाबा तो लीला में हंस रहे थे। जब उस ब्रजवासी के मन में ये भाव आया कि बाबा मुंह पे हंस रहो है तो सुंदर युगल स्वरूप जो बाबा के नेत्रन में लीला कर रहे हो वो लीला करते करते अंतर ध्यान हो गया। कुंज दिख रही है, लता पत्र दिख रहे हैं, सघन कुंज के दर्शन है रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं दिख रहे। बाबा अपने ध्यान लीला में भीतर और प्रवेश करें, सब जगह खोजें, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे किशोरी जी कहाँ हो, सब जगह घूम रहे हैं विचरण कर रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बहुत देर प्रयास करने के बाद जब उनकी समाधि टूटी, नेत्र खोले, नेत्र खोलने के बाद पुनः यमुना जल में स्नान किया, फिर से तन पे ब्रज रज लगा के फिर नेत्र बंद करके बैठे लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। भाव विह्वल हो गए, रुदन करने लगे, अपने गुरु के पास गए दौड़े दौड़े। बोले लाल जी को ऐसो मंगल स्वरूप को दर्शन कर रहे हो लेकिन पतो ना कहा अपराध मोसो है गयो कि श्री श्याम सुंदर मुंह को अकेले छोड़ के चले गए, ठाकुर जी कहीं प्रस्थान कर गए। हे गुरुदेव आज्ञा करो मैं कहा करूं। तब उनने कही कि देखो श्याम सुंदर और किशोरी जी कभी अपराध बन जाए ना उनकी लीला में सेवा में तो क्षमा कर दें, निश्चित ही तुमसे कोई वैष्णव को अपराध है गयो है, कोई ब्रजवासी को अपराध तुमसे बन गयो है। और भले ही तुमने मनस्थिति तुम्हारी नहीं होगी उनको अपराध या अपमान करवे की, लेकिन तुमसे है गयो है बस। ठाकुर जी सब स्वीकार करें लेकिन ब्रजवासी वैष्णवन को कोई कोई बिना किसी प्रयोजन के भी कोई अपराध मतलब क्यों नहीं है बन गयो है वो भी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। इसलिए ब्रज में बहुत सावधानी की जरूरत है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी आनंद सच्चित आनंद का स्वरूप है उसको भी वंदन करो। ब्रज साधारण नहीं है, ब्रज कुछ और ही है, हमारी सोच से परे है,
हम ब्रज ही समझ जाएं तो किशोरी जी समझ आ जाएं, हम ब्रज को ही नहीं जानते। लाला तो सो कोई ब्रजवासी को अपराध है क्यों है? मैंने तो कियो नहीं। बोले तेने ना कियो, लेकिन तो से हुए गए हो है। अब कहा करूं? बोले एक ही उपाय है। कहा? बोले एक ब्रजवासी की बिना प्रयोजन के अपराध करवे के पीछे अब तो को जब जब तेरे सामने कोई भी ब्रजवासी आवे वाकु दंडवत प्रणाम कर और सबसे क्षमा मांग, चाहे वो वाको रूप कैसो भी हो, चाहे वाको स्वरूप कैसो भी हो, माने वस्त्र वो भली मोहते कछु भी बोल रहो हो, लेकिन ब्रजवासी है वाको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग कान पकड़ के। भले ही वाको तने अपराध नहीं किया, लेकिन तुकु अब जब तक श्याम सुंदर किशोरी जी प्रकट ना होंगे तब तक सबको प्रणाम कर, संतन को भंडारो कर, सब संतन से क्षमा मांग। यह ब्रज की महिमा को जान लाला, यहाँ ब्रजवासी जो जन्म ले रहे हैं सब ठाकुर जी के प्राण हैं, इनको कोई भी प्रकार को कष्ट देनो माने ठाकुर जी की रोम खींचने के समान है, इनको अपराध मत करें। उनने जाकर के महाराज भंडारो करायो, सब संतन को झरा भंडारे के काज निमंत्रित कियो, दुनिया भर के संत पधारे, खूब ब्रजवासी पधारे, सबके चरणन में लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करें और सब सब कान पकड़ के कहें मुझको क्षमा कर दो। अब आप किसी से किसी का अपराध नहीं किया उससे भी क्षमा मांगोगे तो अनायास ही, अरे भैया कान मत, अरे भैया, अरे हाँ ठीक है कियो क्षमा, ये भाव होता है। सब ब्रजवासी एक संग खड़े होकर के उनको आशीष देने लगे, अरे भैया तेने कुछ कियो ही ना, हमने क्षमा कियो नहीं, बस आप बस मेरे सिर पर हाथ रख के मैंने ना कियो सही मुत कह दो कि मैंने क्षमा कियो। सबन को लाडली जी को स्वरूप जान करके, सबन को श्याम सुंदर को स्वरूप जान के उनने प्रणाम करके जब क्षमा मांगी, अनंत ब्रजवासियों ने एक संग जब उनको क्षमा कियो, तब दौड़ करके गए यमुना में कूदे, जैसे ही गीलो अंग भयो वापे ब्रजरज लपेट करके, जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे सुंदर सघन कुंज में श्यामा श्याम फिर विहार करने लगे, फिर नित्य लीला दिखाने लगे। ठाकुर जी अपनों सेवा को अपराध क्षमा कर दें, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त वृंद को कोई अपराध हमसे आ जाए ठाकुर जी बाकू कभी क्षमा ना करें। इसलिए अपने मन में भी कभी किसी के लिए दुर्भाव, और विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी की सेवा में हो, चाहे वो नहीं है अच्छा, चाहे उसके हजारों अवगुण हैं, आपको दुनिया के लोगों ने कहा कि वो ऐसा है ऐसा, ठीक है, चार लोगों के बीच में तुमको बोलना भी पड़े ना कि हाँ नहीं वो ऐसा ही है, बाद में जाके किशोरी जी से ही क्षमा मांग लेना, नहीं मु कोई के बारे में कछु गलत ना है कहना, सब ठाकुर जी किशोरी जी के सेवा के अधिकारी हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से ही सही कछु तो सेवा कर रहे हैं, हम वाको अपमान क्यों करें, हम वाको अनादर क्यों करें, या को विशेष ध्यान रखो। आपको अनुभव आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आज बहुत जरूरी काम है, आज सेवा मैं ना कर पाऊंगा, अरे अपने बहुते कह जाओगे, अपने बालकन से कह जाओगे, या कोई और से कह दोगे आज सेवा तू कर दी, मुझे बहुत जरूरी काम है, किशोरी जी से बार बार कह दोगे आज मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा कल से आऊंगा, ये मत समझियो कि तुम्हारो काम आ गयो या हमारे तुमने सेवा नहीं करी। आज तुमसे कहा भयो कि किशोरी जी ने अपना स्पर्श तक नहीं करवाया तुमसे, तुमको अपने सामने तक बैठानो मंजूर नहीं कियो, तुमको देखनो तक मंजूर नहीं कियो, मैं मुद्दे तो बहुत हो गए लाल जी, कई बार सेवा मैं ना भी कर पाऊं व्यस्त होने के कारण, बालक को नेकत सिखा रखी है, वो एक यहीं बैठे कहां गए हैं, वो करते हैं सेवा कभी कभी श्रृंगार, लेकिन मैं ही धरा हूं ठाकुर जी को, बाकी की सेवा वो कर ले, मन में भाव आ जावे। कल वो फलाने फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे ना, उसी का ठाकुर जी ने आज देखो रूठ गए, आज सेवा नहीं करवा रहे और हमें व्यस्त कर देंगे, हम सेवा में जा ही ना पाएंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। श्रीमद् भागवत में कहते हैं
सेवा और कथा का अधिकारी अधिकार किसको ठाकुर जी प्रदान करते हैं? बोले जो अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना जो बंद कर देता है ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। बंधु श्रीमद् भागवत ना मुझसे पूछते हैं आपको सेवा किसने सिखाई, मैं बताऊं मुझे भागवत जी ने सेवा सिखाई है। श्रीमद् भागवत में ही भाव इतने वर्णित हैं ठाकुर जी को क्या प्रिय है, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी को क्या सेवा में चाहिए, ठाकुर जी को कैसा भाव प्रिय है, कैसा भाव, सब सब भागवत। मुझे सेवा का अधिकारी जितना भी हूं नेक्स्ट सौ सही सही, इतनी बढ़िया तो ना होवे लेकिन जितनी होवे ठाकुर जी ने वो भागवत जी ने सिखाई है। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, नित्य सेवा कथा रस ये सब प्राप्त हो जाएगा। अनेक भाव हैं, सब भावों को कहां तक एक सेवा में लेके आवे, कैसे कैसे सब भाव हैं, सब स्पर्श मात्र हुए हैं श्री किशोरी जी को आज्ञा से। बस किशोरी जी से यही प्रार्थना है कि हे लाडली जू, यदास पे आपने खूब कृपा करी, पहली बार किशोरी जी ने अपनी सेवा को अवसर प्रदान कियो, हमारे डांडनिया परिवार और उनके समस्त परिकर को ये सुंदर भाव कि उन्होंने आमंत्रित किया कि आप पधारो और आकर के कुछ भाव सुमन किशोरी जी के चरणों में प्रस्तुत करो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कहूंगा, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। तो ये जो अवसर मिला है अपने संपूर्ण 6 वर्ष के भागवत जीवन में पहली बार किशोरी जी का भाव स्पर्श करने का, स्पर्श में ही इतना सुख मिला है। तो सोचो किशोरी जी काउदना यदि आलिंगन कर लेंगे, काउदना चरण में बिठा लेंगे तो कितनो सुख प्राप्त होगो, कितनो आनंद आवेगो। बस इसी भाव के साथ आप सबको प्रणाम करूं, आप सबको वंदन करूं, आप सवन को नमन करूं, सदा हमारे लाल बिहारी को हृदय में विराजमान करके रखो, किशोरी जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी हृदय में विराज जाएं, हृदय को ही अपना सिंहासन बना करके वहां पे सुशोभित रह जाएं, किशोरी जी वही से ही प्रसन्न रह जाएंगे। अनेक भाव हैं कहने के लेकिन सबको प्रणाम करूं और किशोरी जी से बस यही प्रार्थना है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी मेरी सुध लीजो श्री विश्वभा
रहे हैं किशोरी जी के चरणों में। मेरी सुदली जो श्री वृषभानु दुलारी, जब ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी जब भागवत कथा अनुसार जब ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा गए तो उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज को भूल ना पा रहा हूँ। तब वृंदावन की राह में देखते हुए ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी मुकु पतो है कि आपने कौन से अपराध को मुकु ये भाव प्रकट कियो है, क्योंकि रास विहार के मध्य समस्त गोपीन को मैंने विरह प्रदान कियो ना, यही मारे आपने मुकु विरह प्रदान कियो है। मुकु ब्रज से विरह दे रही हो, अपने स्वरूप से विरह दे रही हो, तो उस भाव के मध्य में श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों में ये भाव कह रहे हैं, हे किशोरी जी हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रज भूषण उर भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रज प्रणति वसला
संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय, बोल वृषभानु के जमाई की जय, जय जय श्री राधे। परमानंद श्री किशोरी जी के श्री चरणों में आज ये भावांजलि पुष्प अर्पित करके मन अत्यंत आनंदित है। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। आप सब लोग विगत 3 दिनों से यहाँ आकर के ये जो भी टूटी फूटी सेवा किशोरी जी की भई सब स्वीकार किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लालजू विराजे रहे, पूरी कथा सुनी पहली बार, ऐसी कृपा कभी भागवत की कथा में भी विराज करके सुने करें, ये ऐसी इनसे प्रार्थना है। मानो संकेत कर रहे हो कि किशोरी जी को लाओगे कथा में तो सुनेंगे। अब तो किशोरी जी हमारी माई श्यामा जू को राज, अब तो किशोरी जी बैठ गई मस्तिष्क में, पतो ना बद्रीनाथ में कहा होगो, मुँह को लगे लाडली जी चलेंगी। लेकिन खूब आनंद हुआ, हमारे विश्वेश भैया, हमारे सर्वेश भैया और पूरा धानडनिया परिवार, और इस कथा में जिनका मुख्य प्रयोजन रहा ऐसी हमारी निकुंज जी और ये समस्त परिवार, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। आज हमारी समधन आई नहीं, बेचारी रात्रि बहुत श्रमित हो जाती हैं पूरे दिन में, लेकिन सबको बहुत सुख मिला। पुनः कभी लाल जी इच्छा प्रकट करेंगे तो आप सबके मध्य में फिर आगमन होगा कुछ नए। अगली बार का मैंने भाव पहले ही बोला, कभी अगर आना हुआ तो अगली बार अष्ट सखाओं को लेके आएंगे, और अष्ट सखाओं ने जो जो किशोरी जी के भाव कहे हैं उन्हीं पर कुछ कहने का प्रयास करेंगे। कुम्मन दास जी एक भाव कहते हैं, क्या कहते हैं, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, रतन की चोरी भैया, कौन ने करी चोरी और कहां थे भाई चोरी, ओ हरलीनी वृषभान भवन ते, हरलीनी वृषभान भवन, ओ हरलीनी वृषभान भवन ते, हरलीनी वृषभान भवन ते, ओ नंद सुवन की चोरी, नंद नंद सुवन की जोड़ी,
करेंगे, लेकिन ये सब लाडली जी वारे बैठे हैं यहाँ पे। अब हम इनकी किशोरी को रतन बता रहे हैं, फिर वो बैठेंगे। अरे भुजा उठा के प्रेम से ने हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। Oh, Brajmera, oh, Brajmera.
करो नागपुर हिल जाए। ओ ब्रज में, आज यहाँ विराम लेकर के पुनः आगमन की भाव से यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब लोग पधारे, खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद। श्री किशोरी जी ऐसी कृपा करती रहें, आप सब तन से नागपुर में रहें लेकिन मन से सदा श्री जी के चरणों में श्री धाम वृंदावन में विराजें। हमारे लाला अपनी ससुराल आते रहें ऐसी भावना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आरती का दर्शन करें फिर हम प्रस्थान करें। हाँ जय हो जय हो। वाह जय हो प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वृषभानु के जमाई की जय। Yeah.